नमस्कार। इस समय मैं मधुबनी जिला के बाबूबड़ी प्रखंड के पिपरा घाट में हूँ, जहाँ कमला, सोनी एवं बलान का संगम है। 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और सैकड़ों वर्षों से यहाँ आस्था की डुबकी लगाई जाती है। श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं और कमला, सोनी और बलान का जो ये संगम है, यहाँ लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि कमला के नदी में मैं उतर रहा हूँ और मैं आशीर्वाद लेता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऊपर ब्रिज देख रहे हैं वो लाइफलाइन का काम करती है। ये ब्रिज आपको बाबूबड़ी जिले को राजनगर प्रखंड से जोड़ती है, बाबूबड़ी प्रखंड को राजनगर प्रखंड से जोड़ती है और पिपराघाट चौक से देवहार सतघारा होते जो सड़क गई है अंदरा ठारी, वो आपको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से वो सड़क जुड़ती है। साथ ही बाबूबड़ी से होते जो सड़क खुटौना बरल चौक जाती है, फुलपरास जाती है, वो भी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ती है, एक लाइफ लाइन का काम करती है। और इस स्थल पर जहाँ सोनी, कमला और बलान का संगम है, वहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोग यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण बहुत कम संख्या में लोग श्रद्धालु के पहुँचने की संभावना है। वैसे निगरानी समिति का गठन किया गया है प्रशासन के तरफ से और मैं कोशिश करूँगा कि आपको निगरानी समिति के जो भी पदाधिकारी बनाए गए हैं उनसे उनका मंतव्य लेने का कि किस प्रकार से ये मेला का आयोजन हो रहा है, सादगी के साथ हो रहा है, क्या नियम प्रशासन के द्वारा बनाया गया है, वो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं ये माँ कमला से ये याचना करता हूँ कि हे माँ, अभी जो भारत बस पर बिहार पे और मधुबनी जिला में जिस रूप से लोग भयभीत है कोरोना संक्रमण के कारण, तो आप अपने आगोश में सब कुछ को बहा के ले जाते हैं। जो ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो आप में सब कुछ समाहित हो जाता है माँ। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि कोरोना रूपी जो राक्षस है उस राक्षस को आप अपने आगोश में संभालें और उसका खात्मा कर दें। ये मेरी माँ विनती है। हमारे केआर न्यूज़ के सभी दर्शक, शुभचिंतक सभी की ओर से मैं याचना कर रहा हूँ। तो फिर हम मिलते हैं आपको आयोजन समिति, निगरानी समिति जो बने हुए हैं उनसे उनका मंतव्य लेके आपको बताने का मैं कोशिश करूँगा। कार्तिक पूर्णिमा को सफल, सुखद और शांतिपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल से संपन्न कराने के लिए बाबूबड़ी प्रखंड प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था किया गया है उसके लिए निगरानी समिति का गठन किया गया है। हमारे सामने शांति समिति का गठन किया गया, हमारे सामने सामाजिक कार्यकर्ता और आयोजन समिति के शांति समिति के सचिव सुनील कुमार मंडल जी हैं। उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या तैयारी है जो ये जो कार्यक्रम में ये जो मेला लगता है यहाँ, वहाँ कितनी संख्या में लोग आ पहुँचने वाले हैं, प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था किया गया है उस पर बताइए सुनील बाबू। हम लोग इस बार कोविड-19 के ख्याल से शांति समिति के सभी सदस्य और स्थानीय प्रशासन ये मैसेज दे रहे हैं आम जनता और श्रद्धालु में कि आप लोग मास्क लगा के आइए और सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। ये सबसे बड़ी बात है अभी के समय के मुताबिक, क्योंकि मेला को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। ये श्रद्धा का केंद्र है, यहाँ त्रिवेणी संगम है, लोग पूर्णकाल में स्नान करते हैं और स्नान के बाद जाहिर सी बात है कि स्नान करने के लिए जब 5 लाख लोग यहाँ आते हैं, उस भीड़ को संभालने के लिए तो थोड़ा सा मशक्कत हम लोगों को शांति समिति और स्थानीय प्रशासन को करना ही पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर के ख्याल से किसी तरह का अनहोनी या अप्रिय घटना नहीं घटे, इस ख्याल से हम लोग
आम जन के, आम जनता के, आम श्रद्धालु के सेवा में मानवता के ख्याल से रखते हैं। भावना को नहीं रोक सकते हैं, उनकी भावना पर, उनकी भावना कोविड 19 पर भारी पड़ रहा, है श्रद्धा, और ये कोरोना संक्रमण पे ये आस्था भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। तो प्रशासन द्वारा ये जो NDRF या SDRF की टीम या CCTV कैमरा वगैरह क्या क्या व्यवस्था किया गया, अभी मैंने देखा है जब मैं आया हूँ तो बाहुबली की अंचलाधिकारी महोदया और थानाध्यक्ष पूरी टीम के सहित उन्होंने गहन निरीक्षण किया है जगह जगह कहाँ आप वो लोग भी दोनों आदमी आए हैं, वो लोग भी दोनों आदमी गहन समीक्षा किए हैं, स्थल निरीक्षण किए हैं सब जगह का, और सब जगह मैसेज दिए हैं। जो व्यवसायी हैं, बाहर से व्यवसायी लोग आए हैं, उन लोगों को कहा गया है कि आप लोग मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, थोड़ा सा इस बात का ख्याल आप लोग रखिए। मेला है, हम लोग भी जितना रोक पाने का प्रयास करते हैं उतना रोक नहीं सकता है, भीड़ रुक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी इसमें भी हम लोग इस कम से कम इस संदेश को आम जन तक पहुँचाया जाए कि कोविड 19 का ख्याल हमेशा हो आम जन में, आम श्रद्धालु में। दूसरी बात है कि प्रशासन के तरफ से जो हम लोग जो निवेदन किए थे कि लॉ एंड ऑर्डर और किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए थोड़ा सा अतिरिक्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किया जाए। हम लोग भी शांति समिति बन करके और जो स्थानीय लोग हैं, सभी पार्टी से ऊपर उठ करके, सभी पार्टी के सदस्य भी हैं बाहुबली प्रखंड के, सब लोग यहाँ शांति समिति का मेम्बर होकर के और उस दिन 29 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक सेवा में रहते हैं। और कुछ स्काउट एंड गाइड के बच्चे हैं, हम लोग स्थानीय प्रशासन से मांग किए हैं कि उनको भी मंगवाया जाए, वो बहुत अच्छा सेवा देते हैं लोगों को, लोगों के बीच में एक आधा संदेश भी देते हैं, और जो भावना श्रद्धालु को के बीच में होता है और जो मशक्कत उनको करनी पड़ती है श्रद्धालुओं के बीच में, उस ख्याल से उनको जिला प्रशासन से भी हम लोग निवेदन किए हैं कि उनको थोड़ा सा दिया जाए। अच्छा, ये जो सड़क है जो पिपरा घाट से जो राजनगर प्रखंड को जोड़ती है, मधुबनी जिला को जोड़ती है, वो सड़क और जो ब्रिज बना हुआ है पिपरा घाट सुनी कमला और त्रिवेणी के, कमला बलान और सुनी का त्रिवेणी संगम संगम पे, तो वो तो बिल्कुल बाधित हो जाता है, उसके लेके प्रशासन कुछ व्यवस्था किया है कि दूसरे रूट से लोगों लोग जाएं? जो वैकल्पिक व्यवस्था बगल से निकलने वाला है और जहाँ पानी कम है वहाँ से लोग निकलता ही है, बगल के सुखी होकर के एक पुल है उधर से भी निकलता है, भदवार से सुखी सैपन होके भदवार में भी है पुल, और जो 4 लाइन का पुल है झंझारपुर के उत्तर, उससे भी लोग क्रॉस करते हैं। और हम लोग भी प्रयास करते हैं शांति समिति के मेंबर और स्थानीय प्रशासन कि जो इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस हो, या जिनको तुरंत किसी निजी वाहन से भी अस्पताल तुरंत पहुंचना हो, उसको हम लोग स्वयं 10 आदमी 15 आदमी मेंबर मिल करके उस गाड़ी को किसी तरह पास करवाते हैं, सहयोग करके निकलवाते हैं। तो क्या संभावना है कि कितने श्रद्धालु जुटेंगे यहाँ? व्यवसायी जितना आते थे दुगुना आ गए हैं, मतलब तो हम लोग श्रद्धालु को भी समझते हैं कि अगर अगले बार 5 लाख श्रद्धालु आए हैं तो उस इस साल भी कहीं 7 लाख नहीं टप गए। कोरोना हम लोग भी चिंतित है, कोरोना संक्रमण पर श्रद्धा कोई भारी पड़ने वाला है एकदम, हम लोग इस बात का एहतियात बरत रहे हैं। हम लोग तो संदेश दे रहे हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं कि कोरोना का ख्याल रखा जाए, मास्क का ख्याल, मास्क पहना जाए। स्थानीय जो व्यवसायी है उनको अनिवार्य कर दिया गया है कि आप मास्क पहन कर ही अपना दुकानदारी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे 2 गज दूरी और मास्क जरूरी। हाँ, ये हम लोग संदेश देते जी। और ये पम्मू जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दो शब्द बताएंगे क्या सर? बात रखेंगे, बताइए आप जो कार्तिक पूर्णिमा में जो श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे लोग? कार्तिक पूर्णिमा मेला यहाँ लगाया नहीं जाता है, सन 1953 में कमला जी सोनी को लुप्त करके अपना धारा को प्रवाह किया और 1954 से अनवरत यहाँ मेला लगता रहा है, और उसी में जो भीड़ उमड़ती है उसको हम लोग शांति समिति बना करके उनको सेवा सत्कार करने में लगे रहते हैं। स्थानीय पदाधिकारी बाबूबरही के श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, श्री CO महोदया, इन सब से बहुत हम लोगों को सहयोग मिलता रहा है और इस बार भी मिल रहा है। इसमें बहुत स्काउट एंड गाइड के भी बच्चे आते हैं और मदद करते हैं, हम लोग उम्मीद भी रखते हैं कि मदद करेंगे। और समिति के तरफ से हम लोग अभी भी
मैक से अलाउंस करवाते रहते हैं कि दो गज दूरी मास्क जरूरी, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु जितना उमड़ता है उसमें सोशल डिस्टेंस रह पाएगा या नहीं, इसी के होफा में हम लोग भी पड़े हुए हैं। लेकिन आप लोगों का प्रयास रहे, हम लोगों का प्रयास अभी है और रहेगा। बहुबड़ी की तेज सरार अंचलाधिकारी श्रीमती विजया कुमारी हमारे सामने में है और मैं उनसे पूछता हूँ कि प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था किया गया है। मैडम, क्या व्यवस्था किया गया है प्रशासन द्वारा, बताइए। प्रशासन द्वारा इसमें जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा का प्रावधान किया गया है, लगाया गया है, और इसमें एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है, साथ में स्कॉट की व्यवस्था की गई है सुरक्षा बल के माध्यम से, और जगह जगह पर लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। और आज आपके द्वारा और थानाध्यक्ष बाहुबली के द्वारा निगरानी किया गया स्थल का। निगरानी किया गया और हम लोग उसको देखे हैं जहाँ श्रद्धालु जुटेंगे, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है, ये सब किया गया। कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश से ये है कि ये जो हमारा सोशल ठीक है, COVID-19 का समय है और इसमें लोगों अपने मास्क एटलीस्ट जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का यथासंभव प्रयास करें, बहुत हद तक तो संभव नहीं है लेकिन यथासंभव प्रयास करें और इसको शांतिपूर्वक सभी लोग अपने व्यक्तिगत कर्तव्य को निभाते हुए इसको शांतिपूर्वक ये करें, इसका पूर्ण हो, शांतिपूर्वक सभी लोग आए और अपने अपने जो जिस श्रद्धा से आते हैं उसको पूर्ण करके यहाँ से जाएं। धन्यवाद। आप तुम बाहुबली अंचलाधिकारी और हमारे सामने जदयू के प्रखंड अध्यक्ष और समाज से भी ये आप अपना परिचय दे दीजिए और बताइए कि मेला को लेकर क्या तैयारी है। जी, मेरा नाम सूर्यदेव सिंह हुआ, हम बाहुबली प्रखंड जदयू के अध्यक्ष हैं। आपके सामने में आज प्रशासन सतर्क है, हम लोग भी कमेटी बना के यहाँ सतर्क है कि मेला में शांति व्यवस्था कायम रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। हम आशा करते हैं कि हम लोग सफल होंगे। धन्यवाद। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ कोरोना पे आस्था भारी पड़ने की संभावना है। 30 नवंबर को जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पिपरा घाट में त्रिवेणी के संगम पर लोग जो जुटते हैं, यहाँ प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था किया गया है और स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और सामाजिक लोग जो हैं वो सब बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। NDRF, SDRF और ये NCC शायद कहा गया है, स्क्वाड एंड गाइड्स की टीम लगाई जाएगी जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और पूरी तरह ये जो मेला है उसका शांतिपूर्वक समापन हो। तो मिलते हैं फिर अगले न्यूज़ के लिए, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।